नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एकोटियामाइड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एकोटियामाइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एकोटियामाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एकोटियामाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एकोटियामाइड टैबलेट का उपयोग बदहजमी होने पर और पाचन तंत्र कमजोर होने पर किया जाता है। जिन व्यक्तियों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में बेचैनी और थोड़ा सा भोजन करने के बाद ही पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर एकोटियामाइड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। एकोटियामाइड टैबलेट इन सभी लक्षणों से राहत दिलाती है और बदहजमी की समस्या को दूर करती है। एकोटियामाइड एक सॉल्ट नेम है। एकोटियामाइड टैबलेट को एक्टाप्रो आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। एकोटियामाइड टैबलेट 100 mg व 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एकोटियामाइड टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एकोटियामाइड टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एकोटियामाइड टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एकोटियामाइड टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एकोटियामाइड 100 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और एकोटियामाइड 300 mg टैबलेट को दिन में 1 बार लेने की सलाह देते हैं। एकोटियामाइड टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एकोटियामाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एकोटियामाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको एकोटियामाइड टैबलेट के साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और कच्चे फलों व सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एकोटियामाइड टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एकोटियामाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एकोटियामाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।